जी हाँ दर्शकों, स्वागत है आपका एक हमारे नए वीडियो में जो कि हम दिखा रहे हैं आपको भीमताल से हल्द्वानी का मार्ग। सावन का महीना चल रहा है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली और पहाड़ों में थोड़ा सा आप ध्यान रखें क्योंकि लैंडस्लाइड बहुत ज़्यादा होता है, तो किसी ऐसे स्थान पे ना जाए जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो और ज़्यादा लैंडस्लाइड हो। देखिए कोहरा कैसे आ रहा है, कितना सुंदर है, इसका एहसास आपको सिर्फ यहीं आके हो सकता है। और चारों तरफ हरियाली, देखिए लोग घूमने भी आ रहे हैं, देखिए कोहरा पूरा, आपको कोहरा दिखा रहे हैं, पूरा दिख नहीं रहा है। और पहाड़ के बारे में एक बात और कही जाती है, हमारे एक सीनियर अधिकारी थे, मेरे को उनकी ये बात याद आती है कि पहाड़ में गाड़ी चलाते वक्त अत्यधिक सावधानी बरतने की आवश्यकता है क्योंकि पहाड़ जो हैं आपको दूसरा मौका नहीं देगा। देखिए फॉग लैंप हमको भी ऑन करने पड़ेंगे, ये देखिए बहुत ही सुंदर आकर्षक मनोहर दृश्य है ये, जो कि आपके मन को अंदर से प्रसन्न चित्त कर देगा क्योंकि सावन का महीना है, बरसात हो रही है। बरसात के मौसम में पहाड़ थोड़ा सा डेंजरस हो जाते हैं, तो थोड़ा सा इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। वीडियो में हम बोल रहे हैं लेकिन हमारा मन कतई नहीं है बोलने का क्योंकि अब क्या बताएं। देखिए ऐसे पकड़े और थोड़ा सा ऐसे भी देखिए, वहां खिड़की से भी दिख सकता है, ऐसा नहीं कि फ्रंट से दिखेगा। अब वहां पर ऐसा कोई देखने का चीज भी नहीं है, आप इधर को देख लगाएं कैमरामैन साहब। फिर हमें वही बात याद आती है कि जिसका काम उसी को साजे और नहीं तो डंडा बाजे। ये यहाँ पर सुसाइड पॉइंट, देखिए आप यहाँ पर कतई आके फोटो ना खिंचाएं। देखिए एक कहावत है, जिसका काम उसी को साजे और नहीं तो डंडा बाजे। ये कहावत इसलिए है क्योंकि जो आदमी जो काम जानता है वही काम, वो आदमी उस काम को बहुत भली भांति कर सकता है। जैसे हमारे अंकुर जी हैं, अगर मैं इनको बोलूं कि आप गाड़ी चलाएं क्योंकि इनको आती नहीं है और हम इनको बोल रहे हैं गाड़ी चलाएं, तो ये नहीं चला सकते हैं। और ये इतने मंत्रमुग्ध हो गए हैं कि कैमरा जहाँ इनको घुमाना चाहिए वहाँ नहीं घूम रहा, इनकी मुंडी घूम रही लेकिन। और हम मजबूर हैं कि हम सिर्फ आवाज़ दे सकते हैं इस वीडियो में, कैमरामैन हमारे यही है। लगता है ये उत्तराखंड में आके खो गए हैं, थोड़ा सा मिर्जापुर के रहने वाले हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, वर्तमान में
बिजनौर में कार्यरत हैं। देखिए बहुत ही सुंदर दृश्य है, कहीं कहीं पे जाम भी लग रहा है, हरियाली भर भर के भरी है, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली। देखिए आप, और कभी आपको मौका लगे, कभी आप सैटरडे संडे में आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं, और यहाँ का जो वातावरण है इसका आप अनुभव ले सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से आपको सिर्फ यही बताया गया है कि उत्तराखंड में बहुत सी ऐसी सुंदर जगह हैं जहाँ पर आप अपने परिवार के साथ आके अपने छुट्टियों का आनंद ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपने इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय उत्तराखंड, जय भारत।